राजगीर के नैला दुर्गा पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध अरुण मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 160 फीट है और 150 फीट चौड़ा है, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार है और इस पंडाल को बुर्ज खलीफा की तरह भव्य लाइटिंग के साथ लेजर शो से सुशोभित किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही नेचर की थीम पर इसे डेकोरेट किया गया। इस पंडाल के भीतर मां जगदम्बा की 35 फीट ऊंची मूर्ति विराजित की गई है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। मां जगदम्बा 5 शेरों वाले स्वर्णिम रथ पर सवार हैं, जो इसे और खास बनाती हैं। इस तरह यह दुर्गा उत्सव को पूरे देश में विशेष ख्याति प्राप्त है, जिसके चलते देश के कोने कोने से मां जगदम्बा के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजन का यह 41 वर्ष है, लेकिन पिछले 11 वर्षों से समिति द्वारा दुर्गा उत्सव को खास बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत 10 रुपए के सिक्कों से की गई थी, जिसके बाद फिर चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, हीरे, मोती सहित अन्य चीजों से माता की मूर्ति बनाई जा चुकी है। इस बार भी माता का स्वरूप आकर्षित करने वाला है। दर्शनार्थियों का कहना है कि नैला में हर साल खास तरीके से माता विराजित की जाती है, जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान दर्शनार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग बिलासपुर बैमा नंगोई खमतराई से आए हैं और ये दुर्गा के बारे में बहुत सुने हैं और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर दुर्गा देखे हैं और पूरा बिलासपुर से जो आए हैं तो बाइक से आए हैं और आओ लोग ट्रेन से ही आ रहे हैं और इतना भीड़ है यहाँ, फिर भी हम लोग को दर्शन मिल गया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छा है। हाँ, दुर्गा पंडाल जो है वो अलग अलग बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार कुछ अलग ही है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अमन कोरबा जिला ले आए हैं, नैला आए हैं, जांजगीर नैला दुर्गा माता के दर्शन करे बर। यहाँ बढ़िया पिछले साल ले बढ़िया बने हैं, अरे भव्य दूसरा बने हैं। 5 शेर में सवार है दुर्गा माता है और यहाँ के लाइट वाइट बढ़िया व्यवस्था है। 2 ले आए हैं हमन यहाँ देखे बर माता रानी के दर्शन करे बर और पिछले साल ले बढ़िया है इधारी के दुर्गा माता है और लाइट वाइट बढ़िया है। यहाँ का पंडाल भी बढ़िया है, सब चीज़ लाइट वाइट सब चीज़ बढ़िया डेकोरेशन में है। हर साल के इंतजार रही हमन ला दुर्गा माता के और हर साल बढ़िया यहाँ हो और एकदम ज़्यादा उत्साहित हन पिछले साल ले और ज़्यादा उत्साहित हन इधारी। हमन कोरबा ले आए हैं, हमन यहाँ के दुर्गा के इंतजार करत रहन, अलग अलग थीम में बनाते यहाँ के मन। नैला के दुर्गा सबसे बेस्ट रहते, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम पंडाल में गिनती आते। यहाँ के दुर्गा माता है 5 शेर के रथ में सवार है, जो कि बहुत अच्छा है, दिखे में भी बहुत अच्छा है, पंडाल बहुत भी अच्छा है। हमन बहुत दूर ले आए हैं, यहाँ अच्छा रथे, हर साल इंतजार रहते हमन ला कि कितना दिन में बनी, कब बनी करके। बहुत भीड़ हवा यहाँ, हर हमन ला हर साल आए में मजा आते, बहुत ही भव्य बनाते यहाँ के मन। अलग अलग थीम में बनाते, एदारी अरुण देव मंदिर के थीम में बनाए गए हैं। श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति हर वर्ष की भांति इस बार फिर से माता रानी के दरबार को एक नए स्वरूप में, अभी तक भारत देश के कॉन्सेप्ट को उठाया जाता था, इस बार इंटरनेशनल स्तर पर थाईलैंड के अरुण देव मंदिर के तर्ज को उठाते हुए बाहर के पंडाल को बनाया गया है और माता रानी के दरबार को हर वर्ष की भांति भावपूर्ण तरीके से देश के कोने कोने से आए हुए कलाकारों ने मूर्त रूप प्रदान किया है। माता रानी के भक्तों की भीड़ देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ माता रानी की सेवा में किस तरह समिति के सदस्य लगातार लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल से लेकर 75-80 साल के बुजुर्ग तक माता रानी की सेवा में किसी न किसी रूप से सुबह 4 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक पंडाल में अपनी सेवा लगातार देते आ रहे हैं। माता रानी की कृपा है कि माँ पूरे शहर वासियों को नैला जांजगीर ही नहीं आसपास के क्षेत्रों पर अपनी भरपूर कृपा लगातार बरसा रही है और विगत 41 वर्षों से विभिन्न स्वरूपों में माता रानी यहाँ कर विराजित होती है और अपना आशीर्वाद हम सब भक्तों को प्रदान करती है। हम अभी से ही अगले वर्ष
क्या थीम लेकर आए ये सोचने लग जाते हैं और उसी का परिणाम स्वरूप एक नया विचार सामने आता है जिसे हम मूर्त रूप दे पाते हैं। ये आयोजन दिखने के लिए हम 500-700 लोग नजर आते हैं लेकिन पूरा जिला पूरा शहर तन मन धन से इसमें सहयोग करता है तब जाकर यह परवान चढ़ता है। माता रानी की भरपूर कृपा सब भक्तों के ऊपर बनी हुई है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी भरपूर सहयोग हमें प्राप्त होता है जिससे माँ के दरबार को हम जनमानस तक पहुँचा पाते हैं। हमारे आसपास के साथी जो विदेशों में स्थापित हैं हर दिन हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं और माँ के हर हाल चाल क्या चल रहा है कितनी भीड़ आ रही है आज का स्वरूप कैसा है हर चीज़ों को वो बारीकी से अध्ययन करते हैं। हमारे यहाँ बंगाली विधि से पूजा होती है। कल अष्टमी और नवमी दोनों तिथि का जब मिलन होगा लगभग सुबह 6:30 बजे तब संधि पूजा की जाएगी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित होकर पूजा में सहभागिता निभाएंगे और पूरी जो पूजा है एक अलग तरीके से जो पश्चिम बंगाल में माता की सेवा की जाती है उसके अनुरूप यहाँ पर सेवा की जाती है। दर्शनार्थी हिंदुस्तान के कोने कोने से उड़ीसा से गुजरात से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान को कवर करते हुए यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं और जो साथी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं वो लगातार हमारे मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से सारे इस कार्यक्रम को इस आयोजन पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। वहाँ से ही वे अपने भावना रूपी पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये आयोजन आने वाले समय में ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। जिस तरह 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं उसी तरह 9 दिन का ये नैला जानकी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित होते चला जा रहा है।